उज्जैन के आगर रोड पर प्रस्तावित रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य खटाई में चल गया है। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को पुनः समीक्षा के लिए डाल दिया है। पेश है सिटी चैनल की विशेष रिपोर्ट। आगर रोड के बीच कुछ सालों पूर्व तक नैरो गेज ट्रेन चलती थी, जिसका स्टेशन आगर रोड मकोड़िया आम में था। अभी भी इस स्टेशन के खंडर मौजूद है, साथ ही रेलवे की यहाँ करोड़ रुपए की मूल्य की जमीन भी यहाँ उपलब्ध है। इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जे किए जा रहे हैं। इस जमीन पर पूर्व सांसद चिंतामण मालवी के कार्यालय में रेलवे के कर्मचारियों के लिए जोन स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और इस जमीन की बाउंड्री वॉल बनाने की शुरुआत भी की गई थी, मगर जनप्रतिनिधियों की जागरूकता की कमी के चलते यह प्रोजेक्ट उज्जैन से छीनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बनने से उज्जैन की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती, मगर अब रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा समीक्षा करने की लिस्ट में डाल दिया है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के बनने की संभावना खत्म होती जा रही है। पिछले झोनल स्तरीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति की मीटिंग में सदस्य प्रकाश त्रिवेदी के द्वारा इस मामले को उठाया गया था। तब रेलवे अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने की बात लिखित में दी है। ये देखिए, एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी जो रेलवे की, आगर रोड पर जो किसी समय पर रेल लाइन चलती थी उसकी एक भूमि, अतिशेष भूमि रेलवे की पड़ी हुई थी, उस पर फालतू का अतिक्रमण हो रहा था। उससे बचने के लिए एक सुझाव दिया गया था कि जो रेलवे के कर्मचारियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान बनाया जाए। उसकी प्रारंभिक रूप में योजना बनी थी, लेकिन उस योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है और अभी जो वर्तमान में उसकी स्थिति है कि उसके लिए जो टेंडर वगैरह जारी हुए हैं, उसकी DPR वगैरह बनी है और उसकी DPR स्तर पर ही है अभी, और उस पूरा प्रोजेक्ट समीक्षा के दायरे में है, या वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उज्जैन के लिए वो होना चाहिए। अगली मीटिंग हमारी जो भी समिति में होने वाली है, हम पुरजोर तरीके से मांग करने वाले हैं कि वो रेल प्रशिक्षण संस्थान को यहाँ पे लाया जाए, और उससे भी ऊपर का अगर कोई संस्थान आ सकता है, क्योंकि रेलवे के पास काफ़ी ज़मीन यहाँ है तो प्रशिक्षण का केंद्र। यदि जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो अन्य प्रोजेक्ट की तरह यह प्रोजेक्ट उज्जैन से छीन लिया जा सकता है। पुष्करण दुबे की खास रिपोर्ट के साथ सिटी 24 उज्जैन।